कोरोना महामारी और बढ़ती गर्मी में कई चिंताएं, अफवाहें और पुष्ट अपुष्ट सूचनाएं लोगों को बेचैन कर रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने जागरूकता के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बताया गया है कि आप चाहे पंखा चलाएं या एसी कूलर, लेकिन कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर इससे हवा के जरिए संक्रमण की संभावना कम कर सकेंगे। कार्यालय, अस्पताल और बड़े सेटअप वाली अन्य जगहों के लिए अंदर की अशुद्ध हवा बाहर जाने और बाहर की ताजी हवा आने की व्यवस्था रखें। ये गाइडलाइंस भारत की हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स सोसाइटी की मदद से तैयार की गई है। 1981 में बनी और 41 शहरों में मौजूद इस सोसाइटी से 29,000 इंजीनियर जुड़े हैं। आईशेयर ने चीन के 100 शहरों में हुए अध्ययन के हवाले से ये दावा किया है कि अधिक तापमान पर हवा से संक्रमण घट सकता है। हवा से संक्रमण ना फैले, इसलिए बाहर की हवा अंदर जाने के साथ ही इंडोर हवा का निकलना बेहद जरूरी है। कमरे का तापमान एसी चलाने के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखें ताकि नमी घट सके। अगर गर्मी लगे तो पंखा भी चला लें ताकि पूरे कमरे में ठंडक फैले। खिड़की थोड़ी खोल कर रखें ताकि प्राकृतिक हवा का आदान प्रदान होता रहे। कूलर को बाहर की ताजी हवा मिलती रहे, ये सुनिश्चित करें। बचे पानी को बाहर निकाल दें। कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोल कर रखें ताकि कूलर से बनी नमी निकल सके। और पंखा चलाते समय खिड़की जरूर खोल कर रखें और एग्जॉस्ट फैन भी चलाएं ताकि वेंटिलेशन बना रहे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।